इंदौर मैराथन में शामिल होने वाले 60 से अधिक दिव्यांग बच्चे विश्व शांति का चिन्ह बनाते हुए दौड़ेंगे। यही नहीं, वे मैराथन के रास्ते में रुक रुक कर साइन लैंग्वेज में प्रस्तुति भी देंगे। मैराथन के लिए रनिंग प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के अलावा बच्चे इसकी अलग से तैयारी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इंदौर मैराथन एक जैसा मौका होगा जहां 13 से 20 वर्ष के इन दिव्यांग बच्चों को सभी के घुलने मिलने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इन बच्चों के लिए यह बेहद ही खास अनुभव होने वाला है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को इंदौर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मैराथन होने वाली है। इसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। विश्व बंधुत्व और शांति का संदेश देते हुए मैराथन में ये दिव्यांग दौड़ लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।